हेलो दोस्तों, आवर डेटिंग स्टोरी के बिल्कुल नए एपिसोड पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आवर डेटिंग स्टोरी एपिसोड नंबर 8 के बारे में। समर फेस्टिवल खत्म होने के बाद लूना और रियो तो अपने दोस्त को लेकर एयरसॉफ्ट खेलने के लिए जाते हैं। वो सभी सोल्जर जैसे कपड़े पहनते हैं, जिसमें रूना काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। रियो तो यहाँ पर रूना का तारीफ भी करता है और इसके बाद फाइनली जाकर वो सभी गेम स्टार्ट करते हैं। रूना और रियो तो एक टीम बनाते हैं और बाकी चारों एक लड़का और एक लड़की लेकर एक एक करके टीम बनाते हैं। गेम के बीच में यहाँ पर रियो तो का एक दोस्त रूना की तरफ एम करके गोली मारता है, लेकिन रियो तो बीच में आकर रूना को बचा लेता है, जिसकी वजह से रियो तो गेम से आउट हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर रूना के दोस्त रियो तो के दोस्त को डिफीट कर देते हैं और रूना अपने दोस्त निकोलो को डिफीट करती है। गेम खत्म होने के बाद यहाँ पर रूना रियो तो के पास आती है और बोलती है, रियो तो तब तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मेरे सामने आ गए थे, तब तुम बहुत ही ज्यादा कूल दिख रहे थे रियो तो। ये सुनने के बाद रियो तो काफी ज्यादा शर्मा जाता है और इसके बाद फाइनली जाकर उन लोगों का गेमिंग सेशन खत्म होता है। लेकिन यहाँ पर गेम खत्म होने के बाद और एक प्रॉब्लम आ जाता है, रूना को अपना एक इयर रिंग नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ देर ढूंढने के बाद उसको बैग के अंदर ही वो इयर रिंग मिल जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर स्नैक्स खाते हैं। लड़कियों को यहाँ पर एयरसॉफ्ट गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। रूना की दोस्त आकर यहाँ पर बोलती है, मुझे ये गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आया, मैं सारे गन्स को ट्राई करना चाहती थी। ये सुनने के बाद रियोतो का दोस्त एचजी लाइन पे आता है और एक ओटाकू की तरह एक के बाद एक चीजों के बारे में बात करते जाता है। इसके बाद रियोतो का दूसरा दोस्त रेन भी लाइन पे आता है और वो तीनों मिलकर इस गेम के बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद निकोलो बोलती है, अरे लगता है तुम तो इसके बारे में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो। आकर यहाँ पर बोलती है, हाँ क्योंकि मुझे भी ये बहुत ही ज्यादा पसंद है। ये सुनने के बाद रियोतो के दोस्त और भी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाते हैं। वो पूछते हैं, तो तुम्हें क्या पसंद है? लेकिन तभी आकारी बोलती है, मुझे BTS पसंद है। रियोतो के दोस्त बोलते हैं, क्या BTS, ये क्या है? रूना बोलती है, ये लड़कों का एक कोरियन पॉप आइडल ग्रुप है। इसके बाद आकारी BTS के बारे में बात करने लगती है। निकोलो इसके बाद बोलती है, मैं तो एक नेल ओटाकू हूँ। निकोलो भी इसके बाद अपने नेल आर्ट्स के बारे में बात करने लगती है। ऐसे लड़कियों वाले चीजें सुनकर सारे लड़के यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बोर हो चुके थे। रूना इसके बाद बोलती है, ये काफी औसम बात है कि तुम दोनों इन सब को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हो। निकोलो बोलती है, रूना भी बिल्कुल ऐसी है, वो भी किसी को लेकर बहुत ही ज्यादा ओबीस्ट है। ये बताने के टाइम यहाँ पर निकोलो रियोतो की तरफ इशारा करती है। रियोतो बोलता है, क्या तुम्हारा मतलब मैं? ये सुनने के बाद यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा शर्मा जाते हैं। रियोतो का दोस्त रेन यहाँ पर रियोतो को धीरे धीरे पूछता है, हे रियोतो, क्या निकोलो का कोई बॉयफ्रेंड है? रियोतो बोलता है, हाँ शायद हो सकता है। ये सुनने के बाद यहाँ पर रेन काफी ज्यादा डिसअपॉइंट फील करता है। वो बोलता है, अरे तुम्हें तो ये मुझे पहले बताना चाहिए था। रेन यहाँ पर क्या बोलना चाहता है रियोतो समझ जाता है। तभी रियोतो यहाँ पर थोड़ा मदद करने के लिए निकोलो को पूछती है, निकोलो तुम और आकारी तो जब चाहे तब किसी को डेट कर सकते हैं, तो तुम दोनों को किस टाइप के बॉयफ्रेंड पसंद है? निकोलो बोलती है, अभी मेरे लिए इन सब के बारे में सोचना थोड़ा ज्यादा जल्दी है। आकारी तभी बोलती है, ओ हाँ इससे याद आया, तुमने तो अपने मिडिल स्कूल के दौरान किसी को डेट किया था, है ना? ये सुनने के बाद यहाँ पर निकोलो थोड़ा ब्लश करने लगती है। निकोलो बोलती है, हम दोनों ने मिडिल स्कूल के दौरान सिर्फ 2 हफ्ते डेट किया था, लेकिन अभी भी मैं उसको नहीं भूल पाई हूँ। रियोतो का दोस्त यहाँ पर रेन बोलता है, क्या सिर्फ 2 हफ्ते? ये सुनने के बाद यहाँ पर निकोलो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। निकोलो बोलती है, क्या क्या बोला तुमने, सिर्फ 2 हफ्ते? देखो मैं यहाँ पर तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, हम दोनों ने सिर्फ 2 हफ्ते डेट किया था, लेकिन एक्चुअली में हम दोनों ने किया था, मेरा मतलब किस। ये सुनने के बाद रेन के सारे एक्सपेक्टेशंस चूर चूर हो जाते हैं। तभी आकारी बोलती है, वैसे मुझे लंबे लड़के पसंद है। वैसे इससे याद आया, इचिजी कुन तुम तो काफी ज्यादा लंबे हो, वैसे तुम्हारा हाइट क्या है? इचिजी यहाँ पर अपना मौका लपक लेता है। इचिजी बोलता है, वो 1.81 मीटर लंबा है। तभी आकारी स्माइल करके बोलती है, अरे वाह ये तो बिल्कुल ली जून की तरह है। इसके बाद वो सभी अपना स्नैक्स वगैरह खत्म करके अपने घर जाने लगते हैं। जाने से पहले यहाँ पर आकारी रियोतो को कुछ बोलना चाहती थी। आकारी यहाँ पर बोलती है, वैसे रियोतो मुझे पहले पता नहीं था कि तुम दोनों डेट कर रहे हो, तो जब मैंने तुमको निकोलो के साथ देखा तब मेरे एक दोस्त ने तुम्हारा फोटो खींच दिया था और उसने वो फोटो मुझे सेंड किया था, तो मुझे लगा वो फोटो काफी ज्यादा अच्छा है, तो इसलिए मैंने वो फोटो को शेयर किया था। आई होप कि तुम्हें इसमें कुछ बुरा ना लगा हो, लेकिन आज जब मैंने तुम दोनों को देखा मुझे पता लग गया कि तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ही ज्यादा केयर करते हो और तुम दोनों एक साथ बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। ठीक है अभी मैं चलती हूँ। रियोतो और रूना ये सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। रियोतो यहाँ पर आकारी को काफी ज्यादा अमेजिंग भी बोलता है। रूना बोलती है, आकारी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, वो कभी भी गिव अप नहीं करती।
और इसके बाद वो दोनों होल्डिंग हैंड करते हुए एम्यूजमेंट पार्क में जाते हैं। एम्यूजमेंट पार्क पे जाकर वो दोनों फेरिस व्हील पे भी चढ़ते हैं। रियो तो यहाँ पर एक किस खंड का भी प्लान बनाता है। रियो तो सोचता है हालांकि फेरिस व्हील पे उतना भी ज्यादा प्राइवेसी नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी एक किस कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ हम दोनों को उस लेवल पे जाने के लिए और कितना बार ऐसे किस करना होगा। जब हम दोनों ने समर फेस्टिवल के दौरान किस किया था तब मुझे लगा था कि हम दोनों और भी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो शायद मैं जल्दी रूना के साथ वो कर पाऊंगा, है ना। रियो तो जब इन सब के बारे में सोच ही रहा था तभी रूना बोलती है, मुझे लगता है मैं पहली बार प्यार में हूँ। जब मैं तुम्हें देखती हूँ तब मेरा दिल एक शोजो मांगा के कैरेक्टर की तरह धड़कने लगता है। जब मैं निकोरो को इसके बारे में बोला तब निकोरो इसको सुनकर हंसने लगी थी, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ पूरा समर ब्रेक बिताया, तुम्हें जानती हो ये ऑब्वियसली प्यार है। अभी मुझे लग रहा है कि मैं फाइनली जाकर स्टार्टिंग लाइन पे पहुंच चुकी हूँ। रियो तो इसको सुनकर थोड़ा डिसअपॉइंट फील करता है। रियो तो सोचता है क्या सिर्फ स्टार्टिंग लाइन, लेकिन फिर भी पहले वो मेरा नाम भी नहीं जानती थी और अभी वो मुझे प्यार करने लगी है। रियो तो इसके बाद पूछता है, वैसे रूना तुमने शोजो मांगा कहाँ से पढ़ा। रूना बोलती है उसके मॉम के पास बहुत सारे शोजो मांगास थे और उसके फेवरेट शोजो मांगा पे एक कपल चॉकलेट खाते हुए किस भी करते हैं। रियो तो इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। रूना इसके बाद बोलती है, वैसे मेरे पास चॉकलेट तो नहीं है लेकिन हम लोग ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद रियो तो रूना के पास जाकर बैठता है और इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। ये किस बहुत ही ज्यादा इंटेंस था। इसके बाद रूना पूछती है, तो तुम्हें टेस्ट कैसा लगा। रियो तो यहाँ पर थोड़ा पैनिक करके बोलता है, शायद पीच की तरह। रूना इसके बाद बोलती है, मैं डेफिनेटली तुमसे प्यार करती हूँ। इसके बाद वो दोनों फेरिस व्हील से निकल कर बाहर जाते हैं। बाहर यहाँ पर बहुत सारे कार्स थे। रियो तो इसको देखकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज हो जाता है। रियो तो यहाँ पर ये भी बोलता है, जब वो छोटा था तब वो कार्स कलेक्ट करता था। वो दोनों जब कार्स के बारे में बात कर ही रहे थे, रियो तो एक बार फिर से कार्स के बारे में ब्ला ब्ला करने लगता है। लेकिन जब रियो तो ये रियलाइज करता है, रियो तो यहाँ पर रूना से माफी भी मांगता है। रियो तो बोलता है, अब मुझे माफ कर देना, कभी कभी मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगता हूँ। रूना इसके बाद बोलती है, लगता है मैं भी एक स्पोर्ट्स कार की तरह ही हूँ, क्योंकि मैं एज सून एज पॉसिबल एडल्ट बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं दिल से अभी भी एक बच्चा ही हूँ। रूना यहाँ पर बोलती है, रियो तो तुम बहुत कुछ के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं सोचने में उतना भी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ। लेकिन अभी वक्त आ चुका है जब मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचूं। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मैं एक बच्ची नहीं रहूंगी, मुझे फ्यूचर के बारे में चिंता करना ही होगा। कैसे मुझे 3 बच्चे चाहिए। ये सुनने के बाद रियो तो थोड़ा सरप्राइज हो जाता है। रियो तो इसके बाद बोलता है, स्पोर्ट्स कार्स को इसलिए नहीं बनाया गया है कि कहीं पर जल्दी से पहुंचा जा सके, स्पोर्ट्स कार को इसलिए बनाया गया है ताकि लोग उसको एंजॉय कर सके। जब मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ रूना, तुम हमेशा अपने दोस्तों के साथ सराउंडेड रहती हो, जो मुझे काफी ज्यादा जेलसी फील करवाता है। तुम एक सूरज की तरह हो जो हमेशा शाइन करता है। रूना इसको सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो दोनों किसी और जगह पे जाते हैं। वो जगह रूना को कुछ यूरोप जैसा वाइब दे रहा था। तो रूना पूछती है, वैसे रियो तो क्या तुम कभी जापान से बाहर गए हो। रियो तो बोलता है, मेरे फैमिली ने बहुत टाइम पहले गुआम में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन हम लोग सिर्फ एयरपोर्ट तक ही पहुंच सके। वहां पर जाके हम लोगों को पता चला मेरे डैड का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा सके। रूना इसके बाद बोलती है, इसका मतलब तुम जापान से बाहर कभी नहीं गए। वैसे मैं तुम्हारे साथ किसी दिन जापान के बाहर जाना चाहूंगी। रूना पूछती है, वैसे रियो तो तुम कहाँ जाना चाहते हो। रियो तो बोलता है, वैसे मुझे बाहर के बारे में तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। रूना बोलती है, वो यूरोप में जाना चाहती है। और इसके बाद रूना और रियो तो कहाँ पर जाना चाहेंगे उसके बारे में बात करने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों पार्क के बाकी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं। रूना इसके बाद बोलती है, अभी लगता है मैं इटली की ट्रिप के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। वैसे मुझे तुम्हारे फैमिली के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम दोनों हमारे फर्स्ट टाइम के लिए कुछ अलग कर सकते हैं। रियो तो मनी मन सोचता है, एक हनीमून ट्रिप, हाँ ठीक है मैं तैयार हूँ। रूना इसके बाद बोलती है, वैसे रियो तो मेरे साथ एयरसॉफ्ट खेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं फिर से ये खेलना चाहूंगी, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्या तभी बाकी लोग आएंगे। रियो तो बोलता है, इचिजी और रेन तो जरूर से आएंगे। रूना बोलती है, अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग जाए तो हम लोगों को और भी कुछ लोगों को वहाँ पर लेकर जाना होगा। रूना यहाँ पर इन सब के बारे में बात करते करते थोड़ा सैड फील करती है। तो रियो तो पूछता है, अरे रूना क्या हुआ तुम्हें। रूना बोलती है, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, सिर्फ 2 महीने हुए हैं हम लोगों ने डेट करना शुरू किया, लेकिन हम लोग अभी से ही फ्यूचर के बारे में बात करने लगे हैं। ये बहुत ही क्रेजी है, लेकिन मुझे लगता है मैं खुशी से रो पड़ूंगी। ये सुनने के बाद रियो तो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। रियो तो इसके बाद रूना के हाथ पकड़ के बोलता है, तो हम दोनों को अपने 3rd मंथ के एनिवर्सरी के लिए क्या करना चाहिए, क्या तुम कुछ स्पेशल करना चाहती हो। रूना यहाँ पर स्माइल करके बोलती है, मुझे लगता है तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर दिन मेरे लिए एनिवर्सरी है। ये सुनकर रियो तो काफी ज्यादा अमेज्ड हो जाता है। रूना रियो तो के और भी ज्यादा क्लोज आ जाती है।
रूना बोलती है, मैंने अब से एनिवर्सरी मनाने के ऊपर गिव अप कर दिया है। वैसे मैं फिर भी 6 महीने और 1 साल की एनिवर्सरी मनाना चाहूंगी। रियो तो यहाँ पर मणिमन बोलता है, मैं सच में रूना को बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं कभी भी रूना को चोट नहीं पहुँचाऊंगा। रियो तो यहाँ पर 6 महीने और 1 साल के एनिवर्सरी का नाम सुनकर बोलता है, तो अभी भी तुमने एनिवर्सरी के ऊपर गिव अप नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। और इसके बाद उन दोनों का अमेज़न पार्क का डेट भी खत्म होता है। इसके बाद रियो तो हमेशा की तरह स्कूल जाता है, क्योंकि रियो तो अभी सेकंड ईयर में था, तो वो अभी से यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी शुरू कर देता है। रियो तो सोचता है, मुझे सेकंड ईयर से ही यूनिवर्सिटी का तैयारी करना होगा, क्योंकि लास्ट डेट के दौरान रूना ने बोला था कि उसे 3 बच्चे चाहिए, और ऐसा पॉसिबल करने के लिए मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना होगा और एक अच्छा जॉब ढूंढना होगा, ताकि मैं रूना को हमेशा खुश रख सकूं। तभी वहाँ पर उसके बाद रूना आती है। रूना बोलती है, सैटरडे को मैं अकाने के साथ क्रॉफल्स बना रही हूँ, क्या तुम आना चाहोगे रियो तो? लेकिन यहाँ पर रियो तो बोलता है सैटरडे को उसका क्रैम स्कूल है, तो वो नहीं आ सकता। तो रियो तो पूछता है, तो संडे के बारे में क्या ख्याल है? लेकिन रूना बोलती है, संडे को उसको निकोरो के साथ शॉपिंग में जाना है। जिसके बाद यहाँ पर रूना थोड़ा सैड हो जाती है, क्योंकि वीकेंड्स में वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल नहीं पाएंगे। लेकिन रियो तो बोलता है, कोई बात नहीं, हम लोग फिर भी एक दूसरे के साथ स्कूल पे मिलते रहेंगे। इसके बाद रूना रियो तो को गुड लक बोलकर चली जाती है। रियो तो का दोस्त इचिजी भी वहाँ पर ही था, तो इचिजी बोलता है, वाह बेटे, तू तो अपना जिंदगी बहुत ही अच्छी तरीके से जी रहा है, मैं भी तानाकिता-सान के बनाए हुए चीजें खाना चाहता हूँ। तभी रियो तो बोलता है, इचिजी क्या तेरे को तानाकिता-सान के ऊपर क्रश है? इचिजी तुरंत बोलता है, अरे नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, तू जानता है ना वर्जिन के साथ ऐसा होता रहता है। लेकिन यहाँ पर रियो तो मनीमन सोचता है, लेकिन मैं तो ज्यादा दिन तक वर्जिन नहीं रहने वाला हूँ अभी, रूना जैसे चाहती है मैं उसे लड़का बन के दिखाऊंगा। इसके बाद रियो तो सैटरडे को अपने क्रैम स्कूल के लिए जाता है, वहाँ पर वो अपने फॉर्म को सबमिट करता है। रियो तो यहाँ पर जैसे बाहर जा रहा था, वो देखता है मारियो वहाँ पर आ जाती है। मारियो को देख कर यहाँ पर रियो तो काफी ज्यादा सरप्राइज था। रियो तो यहाँ पर छुपके छुपके देखता है, मारियो बाकी लड़कियों के साथ भी बहुत ही अच्छी तरीके से पेश आ रही है। पिछला झमेला होने के बाद से यहाँ पर रियो तो ने मारियो के साथ बात भी नहीं की थी, और क्योंकि सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने के बाद उन दोनों का सीट भी चेंज हो गया था, तो यहाँ पर रियो तो को मारियो के साथ बात करने का कभी मौका ही नहीं मिला। और क्योंकि अभी रियो तो का करंट गर्लफ्रेंड रूना है, तो यहाँ पर रियो तो दूसरी लड़कियों को एज मच एज पॉसिबल अवॉइड करना चाहता है। तो यहाँ पर रियो तो तुरंत वहाँ से भाग जाता है स्टेशन के लिए। इसके बाद रियो तो जहाँ पर जाता है, जैसे वो मारिया को देखता है, वो मारिया को अवॉइड करने लगता है, स्कूल हो या फिर कैम स्कूल हो। और ऐसे करते करते यहाँ पर 2 हफ्ते हो जाते हैं। लेकिन एक दिन क्रैम स्कूल के दौरान वो मारिया के साथ आमने सामने हो जाता है। मारिया यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर रियो तो क्योंकि एकदम सामने था, अभी रियो तो क्या करे उसको समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक से एक लड़का रियो तो के ऊपर झपट पड़ता है और बोलता है, अरे भाई तू तो यामाडा है ना, बहुत दिन बाद मिले। रियो तो इसको सुनकर बहुत ही ज्यादा सरप्राइज था। रियो तो बोलता है, क्या यामाडा? लेकिन मैं यामाडा नहीं हूँ। वो लड़का बोलता है, अरे मैं जानता हूँ, मैंने तेरा मदद करने के लिए ये किया। उस लड़की को तू बहुत दिन से अवॉइड कर रहा है ना? रियो तो पूछता है, अरे लेकिन तेरे को कैसे पता बे? वो लड़का बोलता है, मैंने तेरे को देखा है, तू कुछ दिन से चुप चुप के उस लड़की को देख रहा था। इसके बाद वो दोनों एक कॉफी शॉप में जाते हैं, और इसके बाद रियो तो उस लड़की को सब कुछ खुल के बताता है कि असल में वो मारिया को क्यों अवॉइड कर रहा था। इस लड़के का नाम था सेइका शुगो, जो अपने एंट्रेंस एग्जाम पे पहले भी फेल हो चुका था, तो अभी ये उसका सेकंड चांस है। इसके बाद सेइका पूछता है, तो भाई तू क्या करने वाला है? क्या उसको हमेशा अवॉइड करते रहेगा क्या? रियो तो बोलता है, मैं उसे अवॉइड तो नहीं करना चाहता, लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे शायद उसे हाई बोलकर कट लेना चाहिए था, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड लग रहा है मेरे को, और मैं अपने गर्लफ्रेंड के बारे में बहुत ही केयर करता हूँ, मैं उसे और एक बार चोट नहीं पहुँचाना चाहता, और क्योंकि मैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरे पास अपने गर्लफ्रेंड के साथ बिताने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। और वैसे भी अगर मेरे गर्लफ्रेंड को पता चल गया कि मारिया और मैं सेम क्रैम स्कूल पे है, तो वो और भी ज्यादा चिंता में आ जाएगी। अगर रूना के वक्त भी ऐसा होता तो मैं भी रूना के बारे में चिंता करता। सेइका बोलता है, ठीक है भाई, तो तेरे पास और कोई चारा नहीं है, तेरी हेल्प मैं करूंगा, अगर मुझे वो लड़की कभी दिखी तो मैं तुझे बोल दूंगा इन्फॉर्म करके, बता तेरा लाइन आईडी क्या है। रियो तो तुरंत उसको अपना लाइन आईडी देता है। सेइका देखता है रियो तो ने अपने डीपी पे अपने गर्लफ्रेंड का फोटो नहीं लगाया है। इसको दो दोनों कॉफी शॉप से जाने लगते हैं। रियो तो यहाँ पर उस लड़की को शुक्रिया भी कहता है, लेकिन जाते वक्त यहाँ पर कुछ लड़के वहाँ पर आ जाते हैं, जिससे सेइका यहाँ पर रियो तो के पीछे छुप जाता है। वो बोलता है, ये मेरे हाई स्कूल से कुछ जाने पहचाने लड़के हैं, अगर उन लोगों ने मुझे यहाँ पर देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट दिन जब रियो तो स्कूल पे जाता है, स्कूल पे समर फेस्टिवल के लिए यहाँ पर कॉमेटी तैयार हो रही थी, तो यहाँ पर टीचर वॉलंटियर के लिए पूछते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मारिया हाथ उठाती है, मारिया के बाद यहाँ पर तुरंत रूना हाथ उठाती है। रूना को देखकर यहाँ पर आका ने भी हाथ उठाती है। इसके बाद रूना बोलती है, रियो तो क्या तुम नहीं करने वाले? रूना को देखकर यहाँ पर रियो तो भी हाथ उठाता है। अभी उन लोगों को सिर्फ एक बंदा चाहिए था, तो रियो तो बोलता है, अगर आपको कोई एक चाहिए
तो इचिजी कौन कर सकता है। इचिजी यहाँ पर तुरंत राजी हो जाता है क्योंकि अकाने वहाँ पर थी, लेकिन रियोतो ने यहाँ पर जानबूझ के इचिजी को सिलेक्ट किया था ताकि वो अकाने के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता सके। समर फेस्टिवल के कमेटी सिलेक्ट होने के बाद अभी बारी थी लेबर कमेटी की। लेबर कमेटी के लिए उन लोगों को 3 लोग चाहिए थे। यहाँ पर सबसे पहले मारिया हाथ उठाती है, मारिया के बाद यहाँ पर रूना, और क्योंकि रूना हाथ उठाती है तो यहाँ पर रियोतो भी हाथ उठाता है, और फाइनली यहाँ पर 3 लोगों का ग्रुप बन चुका था। ग्रुप सिलेक्ट होने के बाद वो तीनों आमने सामने होते हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड था। कोई यहाँ पर बात को आगे नहीं बढ़ा रहा था। एक तरफ रियोतो का था एक्स गर्लफ्रेंड और एक तरफ था रियोतो का करंट गर्लफ्रेंड, तो क्या करेगा रियोतो? देखने के लिए बने रहिए, मिलते हैं और एक नए एपिसोड के साथ। तो गाइस एपिसोड नंबर 7 तुम लोगों को कैसा लगा जरूर मेरे को ऑब्वियसली कमेंट करके बताओ, एंड वीडियो चलते वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो गाइस मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।